उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति जारी होने के एक दिन बाद ही गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों का जन्म IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और मामला नेहरू नगर स्थित यशोदा हॉस्पिटल का है। डॉक्टर शशि अरोरा और डॉक्टर सचिन दुबे के निर्देशन में महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। अब जच्चा और उनके चारों बच्चे सुरक्षित हैं। हाँ, इनको 7.5 साल शादी को हो गए, तो इन्होंने जब 2 साल तक बच्चे नहीं हुए तो ट्रीटमेंट लेना शुरू करा, और जो प्रेगनेंसी हुई है तो उसमें चार ट्रीटमेंट लेने के बाद 4 बच्चों की प्रेगनेंसी हुई है, जो आज हम लोगों ने ऑपरेशन से 4 बच्चों को डिलीवर कराया है। 4 बच्चे में इतने सालों के बाद जो इंतजार के बाद उनको बच्चे पैदा हुए तो खुश है। प्रेगनेंसी होते ही खुश हो गए थे और अब ये तो बहुत खुशी की बात है कि 4 बच्चे स्वस्थ हैं, मदर स्वस्थ है, और प्रेगनेंसी सारी फैमिली के लिए तो बहुत खुशी की बात है। तो क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं तो पहले से पता। इन बच्चों का जन्म IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से हुआ है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया का प्रयोग पहली बार 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। डॉक्टर शशि अरोड़ा और डॉक्टर सचिन दुबे की देखरेख में महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। जन्म के बाद बच्चों को देखभाल के लिए नर्सरी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रविवार को ही जनसंख्या नीति जारी हुई है। इसमें 2 बच्चों का नियम बनाया गया है। इस नीति के ठीक एक दिन बाद ही गाजियाबाद में इस महिला को 4 बच्चे पैदा हुए। इसे लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स ने यही पूछा है कि इस परिवार को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा या नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि जनसंख्या नीति में जुड़वा बच्चों के लिए विशेष छूट दी गई है। बहरहाल जो भी हो, बच्चों के जन्म से परिवार काफी खुश है, क्योंकि कई सालों के संघर्ष के बाद उनके घर में खुशी की किलकारी गूंजी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।